मारीना संदेश राई। देख सकते हैं आप सामने जो अभियुक्त खड़ा है बंदी गृह के अंदर बैरक में, यही है मुख्य अभियुक्त जिन्होंने हत्या का प्रयास किया, हत्या करने का इसका प्रयास किया गया है। क्या पूरा एक आसिफ अंसारी है, पुत्र स्वर्गीय अब्दुल हसन, रघुनाथपुरा का रहने वाला है, 26 साल उम्र है, लूम चलाता है। ये आज घुस गया था विश्वनाथपुरा में, इजहार के घर में घुसा था और उनकी लड़की सुमैया चाकू से उस पर वार किया था। बीच बचाव में जब उसका भाई अबू साद 8 साल का और उसकी माँ फातिमा आई तो उनको भी हल्की चोटें लगी हैं। लड़की और इन लोगों को जिला हॉस्पिटल भेज दिया गया है और मोहम्मद आसिफ अंसारी जो अभियुक्त है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कारण क्या था? इन्वेस्टिगेशन, मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, कारण का भी पता चलेगा तो आपको अलग से सूचित कर दिया जाएगा। सुमैया शादीशुदा है सर या नहीं? शादी नहीं, अनमैरिड है और यही है, आगे कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। घटना देखिए, ये थाना दक्षिण टोला का मामला है, उसमें पड़ता है मोहल्ला विश्वनाथपुरा। मोहल्ला विश्वनाथपुरा में इजहार अहमद साहब का एक मकान है, तो उनके मकान में एक लड़का आसिफ नाम का, उसके पुत्र का नाम, उसके पिताजी का नाम अबुल हसन मरहूम है, रघुनाथपुरा के रहने वाले हैं। अब जो भी मामला रहा वो घर में घुसा है और जो लोग मौके पर मौजूद थे उनका कहना ये है कि वो घर में घुसा है तो लड़की जो है एक 18 साल की सुमैया नाम की लड़की जो है वो वहाँ नरी भर रही थी, तो उसको वहाँ से पकड़ा, गर्दन से पकड़ के घसीटते हुए सीढ़ी का जो चौकी नहीं होती है चौकी पर लेके गया और एक छुरी लिए हुए था, बड़ी सी छुरी, और उस छुरी से पटक के उसको दबा करने लगा और उसकी छुरी यहाँ ये हिस्सा कटा हुआ है थोड़ा सा, अगर 1 इंच और नीचे रहता तो बचना उसका मुश्किल हो जाता। उसी वक्त हंगामा हुआ, बच्चों ने शोर मचाया, तो उसके चचा थे वहाँ घर में, तो जाके उसको एक लात मारा है पैर से, तो वो उसकी छुरी मैंने देखा जाके मौके पे, तो छुरी टूटी हुई है और वहाँ खून तमाम फैला हुआ है। तो उसने हत्या करने को इसके बीच में बच्चे आए उनको भी मारा, उसकी जो सुमैया की माँ है उनको भी, लगभग फातिमा जो उनकी इजहार के शौहर हैं उनकी बीवी हैं उनको भी मारा है। इस तरह से बड़ा उत्पात मचाया है घर में घुस करके, और मामला अब जो भी हो शायद हो सकता है कि कोई आसनाई को, बाकी बातें तो क्यों ऐसा घटना किया वो पता चलेगा। अभी मामला आ रहा था कि मतलब आसनाई का ही मामला, देखिए घटना जो भी हो लेकिन घर में घुस के कोई इस तरह की घटना करेगा, अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची होती, मैं मौके पे ना पहुंचा होता, अब पब्लिक मोहल्ले के जिम्मेदार लोग वहाँ ना खड़े हुए होते तो उसकी तो जान मार देते, फिर एक नया मसला खड़ा हो जाता, एक नई घटना वहाँ खड़ी हो जाती। आरोपी पकड़ा गया, आरोपी अंदर है, सीओ साहब उससे कुछ पूछताछ कर रहे हैं, लड़की खतरे में है, अभी इलाज के लिए वहाँ गई है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, और मुझे अब तो सही घटना का तो बताएंगे डॉक्टर, लेकिन मेरे देखने के हिसाब से जहाँ बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, 4 इंच लगभग चौड़ाई होगी और 1 इंच गहरा कटा होगा, मतलब 1 सेकंड की और देरी होती तो पूरा दबा कर दिया होता है। एक सवाल आपसे ये करना है कि मऊ जनपद में लगातार अपराध का देखा जा रहा है, ग्राफ तेजी से बढ़ गया है, हत्याओं का ग्राफ बढ़ गया है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये इसमें इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं, ये घटनाएं क्यों हो रही हैं इसमें पुलिस को नहीं समाज को सोचने की आवश्यकता है। कल आप देखिए, कल एक घटना हुई वहाँ आपके अलीनगर में, तो वहाँ भी इसी तरह की घटना थी और आज भी एक घटना और होते होते बच गई, वहाँ कुछ झगड़ा हुई, कुछ लोग लफंगई जाके वहाँ करने लगे भीड़भाड़, पब्लिक निकली, पब्लिक ने मार दिया। अगर आज भी यहाँ बहुत सूझबूझ से लोग काम न लिए होते तो आज उसकी भी हत्या हो गई होती। विचार ये करने की जरूरत है जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं कि आखिर आए दिन ये घटनाएं इस प्रकार की क्यों हो जा रही है, कभी किसी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हो जा रहा है, कभी कोई किसी के घर में घुस के मर्डर कर दे रहा है, उसकी माँ को मार दे रहा है, तो समाज के जिम्मेदार लोगों को इस पे सोचने की जरूरत है। सिर्फ पुलिस का इसमें क्या मामला है, पुलिस तो पकड़ रही है कारण। माना जाए कि आज के वक्त में बच्चों पे जो पेरेंट्स का की पकड़ थी वो कमजोर होती है, बुनियादी बात यही है। देखिए इस प्रकरण में भी मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप जब उसकी तह में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से गफलत और लापरवाही आपको मिलेगी, और जब तक वालदैन अपने बच्चों की निगरानी नहीं करेंगे और उन पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो बढ़ के बड़ी बीमारी पैदा हो जाती है, जिस तरह घटनाएं पैदा होती हैं। तो इसलिए कोई भी बीमारी बड़ी बने इससे पहले लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए और वालदैन को बच्चों की निगरानी करनी चाहिए। कुल मिलाकर ये क्या सर?